सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ चैप्टर 3 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3 में भी हमने एक्सरसाइज 3.1 से 3.7 तक कर लिया था और 3.8 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें देखना है 3.8 के क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सबसे पहले। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा क्या हुआ है, सबसे पहले ये देखते हैं। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द सम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर टू गेट दिस नंबर। मींस ये कह रहे हैं इस नंबर और इस नंबर को प्लस करके और हम कितना प्लस कर दें ताकि हमें क्या मिल जाए, ये नंबर मिल जाए, है ना। तो सिंपली अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हम ये जो दो नंबर दिए हुए हैं हमें इनको प्लस करना है। किस किस नंबर को? इस नंबर को और इस नंबर को हम प्लस करेंगे और फिर जो इनका आंसर आएगा उसको हम इस नंबर से माइनस कर देंगे। ठीक है, बस इतना करना है। तो चलो हम पहले ये वाले जो दो नंबर है इनको हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन पहले ऊपर वाला नंबर लिख लेते हैं, 567267 2, ये लिखा हमने नंबर पहला। अब दूसरा नंबर लिख लेते हैं 3821426426, इनको आप कर दो जल्दी से प्लस। ठीक है, प्लस करेंगे तो 6 + 2 = 8 7 + 2 = 9 6 + 4 आएगा हमारा 10, तो 1 इधर 0 इधर, 2 + 2 ये हमारा हो जाएगा 4 7 + 2 होगा 9 6 + 8 होता है हमारा 14। ठीक है, 5 + 3 = 8 8 + 1 = 9, प्लस कर दे तो आप पे बनता होगा ना। अब ये प्लस करने के बाद हमें किससे माइनस करना था इसका आंसर, इस नंबर से। तो अब हम जो हमारा आंसर आया है उसको हम किससे, इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, यही है बड़ा, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं 1 के बाद कितने जीरो है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7 ये लिख दिया। इसके बाद ये वाला नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 8 9 पीछे से लिखना है नंबर, 0 4 9 4 9। ठीक है, 4 9 9 4 9 4 0 9 8। ठीक है, इनको माइनस कर दो। जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये तो 0 का 10 हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, 9 9 बन जाएगा, सारे 9 बन जाएंगे। ठीक है, और ये जो 1 है ये बस आखिरी में क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसके बाद 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 9 गया 0। ठीक है, और ये 0 तो 0 ही था, तो हमारा जो अल्टीमेटली आंसर जो आया वो हमारा क्या आया, देखो यहाँ लिखते हैं अपन, आंसर जो है वो आए हमारी ये जो वैल्यू आई है ना, यही हमारा आंसर, मीन्स 505902। और अपन अगर लिखना चाहे मस्ट बी एडेड, है ना, मस्ट बी एडेड, बस इतना। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम वाला लेंथी क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले। क्या लिख रहे हैं, देखो द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इतना, है ना, एक सिटी की जो है वो पॉपुलेशन इतनी है। सबसे पहले तो हम अपन गिवन लिख लेते हैं, ये मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, देखो पॉपुलेशन ऑफ सिटी, सबसे पहले जो भी हमारे लिए क्वेश्चन में गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो कितनी है पॉपुलेशन, 5834678678, ये हमने लिख दिया, है ना, पहली लाइन पढ़ी और हमने गिवन लिख दिया। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, देयर आर दिस मच चिल्ड्रन हु आर लेस देन 10 ईयर ओल्ड, मीन्स इतने जो बच्चे हैं, ये जो दिया हुआ है ना, इतने बच्चे जो हैं वो 10 साल से कम के हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है चिल्ड्रन लेस देन 10 ईयर, ठीक है, जिसकी एज 10 साल से कम है, तो उनको भी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2173 2173, फिर इसके बाद 269 269। ठीक है, तो टोटल जो सिटी की पॉपुलेशन है वो इतनी है और उनमें से जो बच्चे हैं 10 साल से छोटे वो इतने हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप 10 टू 70 ईयर इज इतना। देखो अब ये कह रहे हैं हमसे कि जो 10 साल से 70 साल तक के बच्चे जो हैं, मीन्स 10 साल से 10 ईयर से 70 ईयर तक के जो भी वहां के लोग हैं वो कितने लोग हैं, वो ये नंबर दिया हुआ है अपने लिए, है ना, जिनकी एज 10 से 70 ईयर के बीच में,
तो यहाँ पे मैंने लिखा पीपल एज ऑफ ग्रुप और 10 to 70, तो यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ, ये तो गिवन वाली बात हो रही है हमारी पूरी। तो ये वाली मैं अगर लिखूंगा वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 2 3 7 8 6 2 1 6 2 1। ठीक है, अब इनने पूछा क्या है हमसे ये देख लेते हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हूज एज इज मोर देन 70 ईयर, तो उन पर्सन की एज निकालनी जिसकी एज 70 ईयर से ज्यादा की है, जो 70 साल से ज्यादा बड़े हैं, 70 ईयर से ज्यादा एज के। तो हम कैसे निकालेंगे वो देखो। देखो सबसे पहले तो थोड़ा सा दिमाग बस लगाना और कुछ नहीं, बस दिमाग लगाना और कुछ भी नहीं है। देखो अगर हम देखें तो ये जो है उस सिटी की टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन है, ये जो है वो 10 साल से कम के बच्चे हैं और ये जो है वो 10 ईयर से 70 ईयर तक के बच्चे हैं। तो ये जो अगर हम इन ये दोनों जो नीचे के दो नंबर है, ये 10 ईयर से मींस 70 ईयर तक के बच्चे होंगे ना टोटल, मींस सॉरी 70 ईयर तक के जो भी पर्सन होंगे वो होंगे ना, क्योंकि 0 से 10 साल का भी इसमें आ गया और 10 साल से 70 साल तक का भी आ गया। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें कहां से कहां तक का मिल जाएगा, बिल्कुल 70 ईयर्स तक का टोटल लोग कितने हैं उस सिटी में, तो हमें क्या मिल जाएगा 70 ईयर तक टोटल लोग कितने हैं उस सिटी में, ये मिल जाएगा। और फिर टोटल जो पॉपुलेशन है वो इतनी है, तो हमें बस करना क्या है, नीचे के ये जो दो नंबर है इनको प्लस करके ऊपर वाली जो वैल्यू है उससे हमें माइनस कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, नीचे की दो वैल्यू प्लस करके ऊपर वाली से माइनस कर देना है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाली बस दो वैल्यू प्लस करेंगे हम, किनको, इनको बस, ठीक है, नीचे वाली दो प्लस ये वाली, ठीक है, इससे हमें क्या पता चल जाएगा, जो भी 70 ईयर तक के जो पर्सन है वो कितने हैं। तो जब हम प्लस करेंगे तो 9 + 1 हो जाएगा 10, तो 1 इधर 0 इधर, 6 + 2 हो जाएगा 8, 8 + 1 9, 6 + 2 8 और 8 9 10 11, है ना, सॉरी 11 लिखना था तो हमने ये 11 लिख दिया, और 7 + 7 14, 14 + 1 15, ठीक है, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 2 + 2 4। तो ये जो आए हैं हमारे पर्सन, ये कौन आए हैं, 70 ईयर तक के जो टोटल पॉपुलेशन है उस सिटी में वो आ गई है ना। हमें क्या निकालना था, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हुज एज इज मोर देन 70, तो 70 ईयर से ज्यादा के कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, हमें वो निकालना था। तो अपन क्या कर देंगे, बस टोटल लोगों में से, टोटल लोगों में से ये 70 ईयर तक के जो जितने भी जो पर्सन थे इनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो अब हम करते हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगा कौन सा ऊपर वाला नंबर, जो कि है हमारा क्या 5 8 3 4 6 7 8, ये हमारी टोटल पॉपुलेशन, और ये इसमें से हम क्या कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू माइनस कर रहे हैं जो कि है हमारी 70 ईयर तक की पॉपुलेशन ये, ठीक है, तो इनको माइनस करो, 8 का 8 आ जाएगा, 7 में से तो 9 माइनस नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको 17 कर देंगे, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8, फिर ये हो जाएगा हमारा क्या, उसने उससे कैरी ली थी तो 5, और 5 को काट के हम क्या कर देंगे 15 कर देंगे, 15 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद इसे 15 हुआ तो इसलिए 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 गया तो 2, और फिर ये 3 का 13 हो जाएगा, 13 की वजह से ये 7 हो जाएगा, 13 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, आई थिंक 8, हाँ, फिर 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है, ये 1 आ गया। तो अब देखो, तो इतने ही टोटल लोग हैं जो कि 70 ईयर से ज्यादा हैं उस सिटी में, ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, फाइनल आंसर, नंबर ऑफ पीपल हुज एज इज मोर देन 70 ईयर, आंसर नंबर ऑफ पीपल हुज एज इज मोर देन 70 ईयर इज, क्या लिख देंगे, ये नंबर लिख देंगे 1 2 8 2 7 8 8, ये आ गया हमारा आंसर। करना कुछ नहीं है, ऊपर के दो नंबर जो है उनको मींस क्या कर देना है हमें, इसमें से ये वाला जो नंबर है हमारा, इसमें से हमें क्या करना है, इसको और इसको प्लस करके माइनस करना है ना, पहले ये वाले जो दो नंबर को हमने प्लस किया और फिर इससे हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, बस इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है।
ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 6 है ना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।